हेलो बच्चों, इजी इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि रिपोर्ट सेक्शन को किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पांच प्रश्नों के जवाब दिए थे, पांच प्रश्नों को लिखना बताया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। क्या, कहाँ, कब, कैसे और परिणाम। हमें रिपोर्ट लिखते समय सिर्फ यही पाँच प्रश्न अपने माइंड में रखने हैं कि मैं इन्हीं प्रश्नों के जवाब दूंगा और कुछ नहीं, तो आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी, सटीक और बहुत सिंपल वे में बन जाएगी। आपको किसी रिपोर्ट को याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बेटा, इसे गौर से देखिए। यू आर रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दवली, जयपुर। योर स्कूल सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। आपके विद्यालय ने इंडिपेंडेंस डे मनाया। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी है लगभग 100 शब्दों में। तो अब इसकी रिपोर्ट तैयार अपन करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अपन। हेडिंग कैपिटल लेटर में होगी। कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखने के बाद में साइड में बाय, इधर प्लेस और डेट देना होगा। और उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और परिणाम क्या निकला वो लिखना होगा। ओके, तो अब आपके सामने ये सब तैयार हो रहा है, देखते चलिए। आप मैंने हेडिंग लिखी है बेटा, देखो मैंने कुछ थोड़ा कंप्लीट भी किया है ताकि मैं इसी वीडियो में पूरा आपको करके दिखाऊं, आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाना, उसको मैंने अंडरलाइन किया। आप चाहो तो स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, थोड़ा मोटा मोटा दिखाना हेडिंग को, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे साइड में, राइट साइड में बाय और रिपोर्टर का नाम मोनिका लिख दिया है, क्योंकि दिया नहीं था नाम। अगर एग्जामिनर देता है पेपर में तो हमें वही नाम लिखना है। चलिए आगे। इस साइड लेफ्ट सेक्शन में मैंने दवली, जगह का नाम और यहाँ पर डेट, 15 अगस्त के बाद में जब रिपोर्ट अपन पेपर में देखते हैं तो वो अगली डेट में ही आती है ना, या तो 16 को या 17 को, तो मैंने 17 अगस्त 2020 दे दिया। अब अपना ये वाला प्रश्न था कि क्या, क्या मनाया। इसका आंसर हमें क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो आप भी लिख दीजिए द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। यहाँ तक लिखने के बाद में हमें ये आइडिया हो गया कि क्या प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे चुकी हूँ मैं इस इतनी सी लाइन में, यानी मेरा एक नंबर स्कोर हो चुका है। कहाँ मनाया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दवली, यानी दवली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया। 15 अगस्त को मनाया गया 2020 में लगभग 9 बजे। ज़रा गौर से देखिए इन तीनों लाइनों में, सॉरी इन तीनों प्रश्नों के जवाब मैं एक लाइन में दे चुकी हूँ। देखो आपने ये भी बता दिया कि क्या मनाया, आपने ये भी बता दिया कि कहाँ मनाया, और आप ये भी बता चुके हैं कि कब मनाया। डेट और टाइम बता चुके हैं ना यहाँ पे, तो आपने इन तीनों प्रश्नों के जवाब दे दिए, यानी 3 नंबर 7 में से 3 नंबर आप स्कोर कर चुके हैं। 1 नंबर फॉर्मेट का कर चुके हैं आप। ओके, तो 4 नंबर आपके अब तक कंप्लीट हो गए। आगे 4-5 लाइन में हम हाउ का जवाब देंगे, यानी कैसे मनाया, हमने कैसे मनाया इसका जवाब हम 4-5 लाइन में दे देंगे। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले जब कोई फंक्शन मनाया जाता है तो हमारे विद्यालय का प्लेग्राउंड बहुत सजाया जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे अपन, लेकिन हम इतना तो बताएंगे कि हमारा प्लेग्राउंड किस प्रकार से सजाया गया एक लाइन में। तो द प्लेग्राउंड वाज कवर्ड विद ग्रीन कारपेट। एक हरे रंग के कारपेट से प्लेग्राउंड सजाया गया, कवर किया गया। वहाँ पे जो उपस्थित थे उनके नाम हमें देने होंगे, जैसे प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, सम विलेजर्स वर प्रेजेंट ऑन दिस डे। ये सब लोग उस दिन प्रेजेंट थे। अब किसी भी फंक्शन में हमें चीफ गेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे अपने शिक्षा मंत्री जी को बुला लिया है। मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा वॉज द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा इस अवसर के मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि आके क्या करता है, सबसे पहला काम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को खोलता है, अनफर्ल करता है। द नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय हिम। हमारा राष्ट्रीय ध्वज उनके द्वारा खोला गया। इसके बाद में जब राष्ट्रीय ध्वज खोला जाता है तो प्रोग्राम होता है, क्या प्रोग्राम होता है बताओ, हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है, याद है आपको। तो जैसे उन्होंने ध्वज खोला तो कुछ गर्ल्स ने, यानी अब इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे अपन, देखो आप भी मेरे साथ में बोलते जाइए। सम गर्ल्स sang, sing का सेकेंड फॉर्म है, sang मैंने कहा था पास टेंस का यूज़ होगा, तो sang the national anthem,
ओके, जैसे ही नेशनल सॉन्ग गाया जाता है वैसे परेड भी आयोजित हो जाती है। तो अपन परेड के लिए क्या लिखेंगे? परेड के लिए परफॉर्म लिखेंगे, ठीक है। द परेड वॉज परफॉर्म्ड बाय, मैं यहाँ पे परेड एनएसएस कैडेट से करवा रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे परेड करना जानते हैं, एनएसएस कैडेट्स। क्योंकि हम लोग देखते हैं जहाँ भी परेड होती है नेशनल कैडेट्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, और बहुत अच्छे से किया उन्होंने। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, इन गुड मैनर। ये छोटे छोटे वर्ड्स देने से बेटा थोड़ा बढ़ जाएगा, हमारा 100 शब्दों में हमें लिखना है, तो हम शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। जैसे आप लोग ये नोट कर रहे होंगे मैंने गवर्नमेंट पूरा लिखा है, तो मीनिंग्स आप याद करके जाएं, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, सीनियर, सेकेंडरी, ये पूरे पूरे लिखे हैं मैंने शॉर्टकट में। लिखती तो मैं, मेरा आधा पेज ही भरता, क्योंकि मुझे कंप्लीट दिखाना है, मुझे 100 शब्द भी दिखाना है, मुझे फुल पेज भी भरा हुआ दिखाना है, मुझे 7 नंबर चाहिए, तो मुझे कोशिश करनी होगी। ओके, आगे हम लोग बता सकते हैं कि इसके बाद में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हुए, तो आफ्टर दिस सम कल्चरल प्रोग्राम्स वर परफॉर्म्ड बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स कर दो, बाय कर दो। ओके, क्योंकि अगर वही लड़कियां परफॉर्म करें तो द लगा सकते हो। ओके, इसके बाद में अपन कुछ सोच लेते हैं कि चलो किसी, कुछ बच्चों ने देशभक्ति गीत भी गाया होगा, है ना। तो सम स्टूडेंट्स सैंग, सैंग सेकेंड फॉर्म है, सैंग अ पैट्रियट सॉन्ग, बहुत ही प्यारे तरीके से गाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है। तो मैं आगे ऐड कर सकती हूँ इसमें, इंग्लिश का यही फायदा है कि जब आप सेंटेंस लिख दें उसके बाद भी आप अगर भूल जाते हैं कोई बात, तो आप उसको लास्ट में ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आपने उसमें क्रिया जोड़ रखी हो। जैसे सम स्टूडेंट्स सैंग, मैंने क्रिया जोड़ रखी है, तो मैं आगे बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से गाया, तो इन ब्यूटिफुल मैनर। ओके, एक बच्ची ने भाषण भी दिया, तो अगल, भाषण देने के लिए हम गिव का यूज़ नहीं करेंगे, डिलीवर्ड। डिलीवर एक क्रिया होती है, उसका सेकंड फॉर्म डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन दिस डे, इस दिन एक स्पीच भी दिया उसने। इसके बाद में क्या होता है बेटा, अपन लोग अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर उसके बाद में मिठाई वितरण कर देते हैं, है ना। मुझे लगता है कि लगभग लगभग सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, अब जो पुरस्कार वितरण है उसको और लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कि द प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब किस प्रकार से प्राइजेस दिए गए, जैसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को अलग दिए गए, स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अलग दिए गए, वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो कि और ज़्यादा लंबा करना है, मुझे तो और ज़्यादा लंबा कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं यहीं तक बहुत है, तो आप मिठाई वितरण करके उसको कंप्लीट कर दो। अब ये सब रिजल्ट में आ रहा है ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये द प्लेग्राउंड से लेकर के यहाँ तक अपन लोग हाउ का उत्तर देने कि कैसे बनाया गया। लगभग मुश्किल से 4-5 वाक्य हैं, है ना। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल वे में रिपोर्ट है। अब अपन ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चा प्राउड फील कर रहा था, है ना। दिस वॉज वेरी प्राउडफुल फीलिंग, दैट वॉज वेरी प्राउडफुल फीलिंग, ये बहुत ही गर्वीली भावना थी, मतलब हम लोग बहुत गर्व का महसूस कर रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा बेटा रिपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना होगा,
इस बात का खास ध्यान रखें आप कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और सेकंड पर्सन यानी यू, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। वी का भी हमें इस्तेमाल कम से कम करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। हम स्टूडेंट्स, विलेजर्स, टीचर्स, इनको लिख सकते हैं, हमें खुद को नहीं लिखना है। ओके, कुल मिला के ओके। अब लास्ट में हम लोग मिठाई वितरण कर देते हैं और काम फिनिश हो गया अपना। एट लास्ट स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। एवरी वन वॉज फीलिंग गुड, या फिर एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी, एवरी वन वॉज इंजॉइंग, कई सारे सेंटेंस हमारे दिमाग में आ जाएंगे। मिठाई पाके तो सब लोग ही खुश हो जाते हैं। इंजॉइंग दिस मोमेंट, इस पल को सब कोई इंजॉय कर रहा था। ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। देखिए कितनी सिंपल रिपोर्ट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले कर या फिर इसको मेरे साथ साथ लिख करके आप लोग याद कर सकते हो। और याद करने की भी क्यों ज़रूरत है, हम लोग बेटा इसी मैनर पर बनाएंगे तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास में बच्चों से ये कहती हूँ कि हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझें। मैं इसके हार्ड मीनिंग्स नीचे दे रही हूँ, तो जो बच्चों को हार्ड मीनिंग्स लग रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना, प्रोग्राम आप इन्हें याद करें, कार्यक्रम, इसके अलावा तो और कोई हार्ड मीनिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी आप लोग को जो लगे वो आप तैयार कर लेना। वितरण करना, कार्यक्रम, ओके, इजी इंग्लिश में बने रहिए।